होंगे। तो चलिए आज शुरू किया जाए डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया गया है डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसके अलावा ढेर सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जिसे मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि कृपया करके उन्हें याद कर लें, क्योंकि वही है जो आप लोगों की नैया को पार लगा सकता है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th में मैथ्स पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कैलकुलस का काफी अहम योगदान है क्लास 12th में। अप्रोक्सीमेट 50% सिलेबस सिर्फ कैलकुलस है, और अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, तो आप बहुत ही लकी हैं। आपको 95 नंबर 100 में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे इस डिफरेंशिएशन का चेन रूल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि चेन रूल जो होता है हमारे पास, ये हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चेन रूल कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, फंक्शन का कर रहे हैं, जब हमारा फंक्शन कंपोजिट हो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोग को याद होगा रिलेशन एंड फंक्शन में, फंक्शन का शायद छठा नंबर का वीडियो होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, जिसमें कि गॉफ फॉग गॉग फॉफ हो गॉफ, ठीक है, ये 5 तरह से फंक्शन को कंपोजिट करने के लिए बताया था मैंने। अगर किसी को नहीं मालूम है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जो इस चैनल पर न्यू है, तो जा करके फंक्शंस का वीडियो नंबर 6 पर देख सकते हैं। मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको मालूम है, जो हमारे चैनल पर पहले से है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है fx = sin x एंड अनदर फंक्शन है gx = x2 सपोज। अब हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गॉफ एक्स, देन यू विल रिप्लाई g of fx। ठीक है, बहुत खुश हुए, fx का वैल्यू sin x, और ये साइन एक्स कहां चला जाएगा, जी में रखा जाएगा, तो जी का वैल्यू x2, एक्स की जगह साइन को पुट करेंगे, तो यहां पर हो गया sin x2 यानी कि sin2x। दिस मीन्स ये sin2x क्या है, इट इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो आप पूछोगे कैसे सर, तो हम बोलेंगे देखिए ऊपर में फंक्शन हम क्या क्या लिए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिए हैं, एक पॉलिनोमियल लिए हैं, दोनों मिलकर के ये बनाया है, इसी को तो कंपोजिशन कहते हैं। और जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिलेगा तो उसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया, तो आप लोग तो खुशी एकदम क्या करोगे, सर x2 है, पावर आगे लाएंगे, पावर कम कर देंगे, 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और पूरा का पूरा कहानी खत्म। ये नहीं करना है। अभी मैंने बोला कि जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा तब हम क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। एकदम गांठ बांध के याद रख ले, चेन रूल तभी लगेगा जब फंक्शन कैसा होगा, कंपोजिशन फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। अच्छा, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, कंपोजिशन को पहले समझिए कि हम कहां अप्लाई करते हैं। यही चीज सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाती है बच्चे लोगों में कि क्या करते हैं, वो लोग जानते तो है कि क्या करना है, लेकिन कहां लगाना है उस फॉर्म को, ये उनके पास काफी दिक्कत होता है। और दिक्कत किस वजह से आती है, उनको पता ही नहीं लगता है कि हम चेन रूल कहां अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट रूल हम कहां अप्लाई कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो चेन रूल कहां अप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखना आज के बाद से कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ही सिर्फ चेन रूल अप्लाई होगा, बाकी उसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए यहां पर फॉग निकालने के लिए कहा जाता तो क्या करते हैं, f of g x, और यहां पर आ जाएगा f g x का वैल्यू क्या है, x2। अब फंक्शन f में x की जगह क्या रखना,
साइन एक्स स्क्वायर. क्या ये दोनों सेम है? क्या गॉफ और फोग सेम है? नहीं है. ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है और ये साइन एक्स स्क्वायर ये एंगल में स्क्वायर है और ये पूरे पर स्क्वायर. दोनों सेम कैसे हो सकता है? कभी नहीं. इन केस ऑफ कभी कभी सेम हो सकता है फोग और गॉफ, लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा. ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके डिफ्रेंसिएशन के बारे में. ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं. जैसे कि हमारे पास dy by dx है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. हमारे पास एक फंक्शन रहा तब, लेकिन इसमें कंपोजिट आ गया है, मतलब इसके अंदर दो तीन फंक्शन आ गया. जैसे कि मैं देख रहा हूं इसमें दो फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन, इसी तरह तीन फंक्शन भी मिल सकता है, चार फंक्शन भी मिल सकता है, पांच फंक्शन का कंपोजिट मिल सकता है. तो जितना फंक्शन का कंपोजिट उतना ज्यादा चेन रूल लगेगा. ठीक है, फिलहाल ये दो फंक्शन का कंपोजिट है. तो मान लेते हैं कि ये अगला फंक्शन कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी वाई अपॉन डी टी लिख लिए. ठीक है, और चूंकि डी टी अपने मन से लिखे थे तो अपने मन से गुना कर दिए और तब डी एक्स लिख दिए. दिस विल कॉल्ड चेन रूल, इसी को चेन रूल कहते हैं. अब यहां पर तो बेसिकली समझ में आया नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यहां समझ में आएगा. मान लेते हैं ये हमारा y है, हमको डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर d sin स्क्वायर x अपॉन dx. ठीक है, अब याद कीजिए कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि हम डिफरेंशिएशन कब कर सकते हैं, जब उसका एंगल नीचे का बेस सेम हो तब कर सकते हैं, है ना. मतलब d sin x अपॉन dx है तब तो ठीक है, कर सकते हैं. cos x हो जाएगा dx टू दी पावर n अपॉन dx, तो nx टू दी पावर n माइनस वन. कॉल कीजिएगा यहां पर, यहां बेस क्या है x, नीचे क्या है x, ये दोनों जब सेम दिखेगा तभी हम x टू पावर n लगा सकते हैं. चलो कॉल कीजिए, यहां हम इसको लिख सकते हैं d साइन एक्स का होल स्क्वायर. बेस क्या हमारे पास एक्स है? नहीं है. एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स है. एक्स की जगह साइन एक्स है, नीचे भी क्या रखना पड़ेगा? साइन एक्स. यहां पर हम क्या किए हैं? नीचे में साइन एक्स लगा दिए. अब चूंकि ये साइन एक्स हम पूछ करके तो नहीं लगाए, अपने मन से लगाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए गुना कर दिए इधर. चलिए अब साइन का बेस क्या है एक्स, अब नीचे एक्स लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं. देखिए साइन का बेस एक्स, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा. यहां पर हम लिख सकते हैं और यहां पर जैसे नीचे डीएक्स आ गया, चेन रूल आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा. आई बात समझ में? फिर से समझते हैं, हमारे पास कोई भी कंपोजिट ऑफ फंक्शन होगा वो सीधा सीधी पहचान में आ जाएगा कि उसमें एक से अधिक फंक्शन होना चाहिए. यहां पर साइन भी है, स्क्वायर भी है, मतलब पावर का फंक्शन, पॉलिनोमियल भी है और यहां ट्रिगो भी है. ठीक है, तो हम क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर. अब हमारे पास क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमको दिख रहा है पावर का, तो हम पावर वाला लगाए चेन. ठीक है, इसको यहां से मल्टीप्लाई किए. अब हमारे पास ट्रिगो दिखा, ट्रिगो के लिए यहां पर क्लोज हो गया, चेन रूल लग गया. अब यहां पर पावर वाला फॉर्म लगा सकते हैं. पावर का क्या था? पावर को आगे करना है और एक पावर कम कर देना है, कर दिया गया. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला है. आई बात समझ में? चलिए और आगे एग्जाम्पल, जितना अधिक एग्जाम्पल देखिएगा, जितना अधिक इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही बढ़िया आप लोगों का चेन रूल होगा. खाली एक बार वीडियो देख लेने से चेन रूल नहीं सीख जाइएगा. ठीक है, तो प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा. आप सभी लोग पास बुक होगा, नहीं तो कहीं पीडीएफ से, कहीं से भी क्वेश्चंस को अरेंज करके क्वेश्चन कीजिएगा. ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं. हमारे पास y बराबर साइन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? d साइन एक्स का स्क्वायर. अब यहां पर साइन एक्स का होल स्क्वायर तो इसको लिख नहीं सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है? ये इसका स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर. तो हमारे पास सबसे पहले कौन दिख रहा है? यहां पर सबसे पहले हमको दिखा कौन सा? सबसे पहले जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर वाला दिख रहा था, पावर फंक्शन दिख रहा था, इसने पहले पावर का किया. अब यहां पर हम पावर के पास नहीं पहुंच सकते, ये एंगल है अंदर में. ठीक है, अब हम सबसे पहले साइन को देख रहे हैं. साइन का बेस कितना? एक्स स्क्वायर. तो साइन को डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे भी बेस कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर. जैसा बेस वैसा ही नीचे का लेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिए. अब एक्स स्क्वायर अपने मन से लिए, गुणा कर देंगे. अब ये डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया? पावर फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया. अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? जो बेस है उसके नीचे लगा.
बस सिंपल, बस यहां तक लगाना जरूरी था, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। कितना हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, बेस कभी भी चेंज नहीं होगा डिफरेंसेस होने के बाद, ऐसा नहीं कि बेस को भी चेंज कर देना, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 2x इनटू कॉस एक्स स्क्वायर, ओके। अनदर एग्जांपल पर चलते हैं, आई होप आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आप लोग लेकर ले चलता हूं। जैसे कि हमारे पास मान लिया जाए एक क्वेश्चन है y बराबर tan क्यूब 2x, ठीक है, tan क्यूब 2x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, स्पष्ट है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ट्रिगो भी है, 2x भी है और क्यूब भी है, तीन तीन को फंक्शन का कंपोजिशन है। चलिए सबसे पहले हमको दिख रहा है क्या, tan 2x का होल क्यूब, सबसे पहले हमको पावर दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब dy by dx लिखेंगे, d of tan x का होल क्यूब, हमको बेस है tan x, उस पर पावर है, तीन पावर वगैरह लगाएंगे तो जो बेस है वही नीचे लेना पड़ेगा, नीचे कितना लेना पड़ेगा हमारे पास, tan, सॉरी 2x है हमारे ना, 2x यहां पर लेना पड़ेगा, tan 2x, और चूंकि tan 2x अपने मन से लिए हैं यहां गुना कर देंगे बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या है बेस हमारे पास 2x, तो नीचे भी बेस क्या ले लेंगे 2x ले लेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2 तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ सीधा सीधी फंक्शन है बचा, हमारे पास सिंगल फंक्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है। अब हम यहां dx लगा सकते हैं, ऐसा आराम से लगा सकते हैं, यहां पर जाकर के चेन रूल खत्म हो जाएगा, क्या तीन टर्म तक गया चेन रूल, इसमें तीन फंक्शन का कंपोजिशन था, तीन हो गया, ठीक है, अब समझ जाएंगे हमारी बात को। अब चलिए पहला वाला लगाते हैं पावर वाला, पावर को आगे करना है और एक पावर कम कर लेना है, फिर आगे चलते हैं टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, बेस जो है उतार देना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया 6 टेन स्क्वायर 2x इनटू सेक स्क्वायर 2x, ठीक है। अब इस चीज को हम ये चीज दिखाना हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास बेसिक, जैसे कि आप जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग सीखना ही शुरू कर रहे हैं, तो शुरू के 10-15 क्वेश्चन में आप लोग ये लगाइएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा कि बिना लगाए इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, कैसे देखिए, जैसे कि यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को टैग डिफरेंशिएशन करते हैं, हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, कुछ नहीं है, पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन ले लेंगे, कॉस जो एंगल उतार दिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास, तो साइन को हम ढक लेंगे, हमारे पास क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्या सेम आया है, बिल्कुल सेम है। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर सबसे पहले इस फंक्शन को ऐसे लिखने के बाद क्या दिख रहा है, पहले पावर दिख रहा है, पावर का डिफरेंशिएशन क्या, तीन आगे और एक पावर हो जाएगा कम, चलिए पावर का जिसका डिफरेंशिएशन उसको ढक दीजिए। अब हमको क्या दिख रहा है टेन 2x, टेन 2x में टेन का करेंगे sec स्क्वायर 2x, इसको भी ढक देते हैं, हमारे पास क्या बचा 2x, 2x का 2, क्या सेम आया, एकदम बिल्कुल सेम आया, तो हम डायरेक्ट भी इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल के तहत, और दिखा भी सकते हैं कि चेन रूल में हम क्या क्या बेस यूज किए हैं और कितना चेन उसमें बना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं चेन रूल का कोई भी डिफरेंशिएशन बनाते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आज का ये जो वीडियो है चेन रूल का वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, बट इस पर क्वेश्चन आप लोगों के बुक में ढेर सारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मान लिया जाए y बराबर हमारे पास है अंडर रूट साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, चलिए बनाते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, रूट का मतलब तो यही होता है, पहले सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि ये साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, पावर 3 है टोटल पे है, पूरे पे है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है ये सिर्फ एंगल पर पावर, ये 3 पावर टोटल पे है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3 गुना हाफ 3/2, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं,
सबसे बाहर हमको क्या दिख रहा है, पावर। पावर में क्या करते हैं, पावर को आगे खींचते हैं और एक पावर उसका पहले कम कर देते हैं। तो साढ़े तीन, सॉरी तीन बटा दो मतलब डेढ़, डेढ़ में एक पावर जाएगा तो आधा बचेगा, पावर का काम खत्म हो गया, इसको हम बंद कर लेते हैं। अब क्या दिख रहा है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, तीन बटा दो भी हो गया, साइन भी हो गया, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है टू एक्स, ये टू से ये टू कट जाएगा, बाकी जो बचा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा चेन रूल से रिलेटेड, ठीक है, आपके क्लास में, क्लास इलेवंथ में भी चेन रूल का प्रॉब्लम्स है, क्लास ट्वेल्थ में भी जब डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है उसमें भी चेन रूल का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग प्रॉब्लम्स को बनाइएगा और बनाने के बाद देखिएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, जो नहीं बने कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, बस क्वेश्चन मेरे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो अगला जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा डिफरेंशिएशन लेकर के पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें एक छोटा सा बात मैं बता, छोटा सा बात मैं यहां पर और थोड़ा सा बता देता हूं कि u into v और u by v और u plus v का मैंने बात किया था पिछली बार, तो u plus v और u minus v तो जनरली दिख रहा था कि अगर हमारे पास फंक्शन एड और सब्ट्रैक्ट के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां पर u into v लगाएंगे और कहां u by v लगाएंगे इसमें प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो वहां पर इस बात को समझते हैं कि कहां u into v लगा सकते हैं, हम कहीं भी नहीं लगा देंगे, ठीक है, इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक्स माइनस वन है इंटू एक्स माइनस टू है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम चाहे तो यू इंटू भी लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तब यहां पर यू इंटू भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो यू इंटू वी का मतलब अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अगर दोनों फंक्शन अलग अलग है और गुना से रिलेटेड है तो हमेशा उसमें यू इंटू वी ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर दोनों सेम फंक्शन है तब हम यू इंटू वी नहीं भी अप्लाई करेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है, सेम यू बाय वी के साथ भी है, अगर सेम फंक्शन है तो भागा दे देंगे, डिफरेंट फंक्शन है तो भागा दे नहीं पाएंगे, हमको यू बाय वी लगाना पड़ेगा, चलिए बनाकर दिखाते हैं, अगर इसको गुणा कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब डी बाई डी एक्स निकालना आसान है, कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, कितना आसानी से हो गया, अगर ये यू इंटू भी लगा तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, यू को लेकर के वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को लेकर के यू का डिफरेंशिएशन, यही था फॉर्मूला, चलिए एक्स माइनस वन, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, x माइनस टू, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि फाइनली हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2 बचा 2x माइनस 3, आंसर आया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, इसमें स्लाइटली टाइम कम लगा, ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं dy by dx, इसको गुणा कर नहीं सकते हैं, यानी कि हर हालत में u into v लगाना पड़ेगा, तो u को लेते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लेते हैं u का डिफरेंशिएशन, आप चाहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहां लिख सकते हैं साइन का अगर याद है तो, और x स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो लिख सकते हैं कष्ट, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स टू एक्स, अगेन ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, नोट कर लिया जाए।